हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़ी कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी सीराम इंस्टीट्यूट में लगी आग, 5 की मौत। पुणे के सीराम इंस्टीट्यूट में कल दोपहर आग लग गई। जानकारी के अनुसार सीराम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल 1 में आग लगी है। इसी इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड बन रही है। पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि अब तक हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 9 लोगों को बचाया गया है। चीफ जो है फायर ऑफिसर ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के 5वें तल्ले पर जो है 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इधर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहां कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो रहा था वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि जो है प्रारंभिक सूचना के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक जो है फोल्ड के कारण आग लगी है, लेकिन राहत की खबर है कि आग इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में लगी है जबकि इंस्टीट्यूट के पुराने प्लांट में वैक्सीन बन रहा है, इसलिए कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। आग बहुत ही भयंकर थी जिस पर जो है अब काबू पा लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन बोले कि कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान, केंद्र सरकार को यह गलतफहमी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार को यह गलतफहमी है कि किसान आंदोलन में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। सीएम ने कहा कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में पूरे देश के किसान हैं, चाहे वह हिमाचल प्रदेश के हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसान हो या फिर जो है उत्तर पूर्वी या फिर किसी अन्य जगह के। नए कृषि कानून के खिलाफ जो है सभी की भावनाएं एक ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कही है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ है। वे लगातार नए कानून का विरोध करते आ रहे हैं। वे पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस ले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला दरोगा को परेशान करना युवा को पड़ा महंगा, भेज रहा था अश्लील वीडियो और मैसेज। जमशेदपुर के मानगो के उलीडी थाना क्षेत्र में तैनात एक महिला दरोगा को अश्लील वीडियो और मैसेज भेज परेशान करने वाला बदमाश अमर सिंह को पुलिस ने प्राथमिक के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। उसकी जो है जमकर पिटाई की गई। आरोपी जो है मानगो के उलीडी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर का निवासी है। उलीडी थाना क्षेत्र आने जाने के दरमियान जो है उसने दरोगा का जो है फोन नंबर हासिल कर लिया था। पूछताछ की कार्रवाई के बाद गुरुवार को पुलिस ने उसे जो है नयका हिरासत में भेज दिया है। उसके खिलाफ जो है महिला दरोगा की शिकायत पर प्राथमिकता दर्ज की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु ने सड़क हादसों को 54% तक किया कम, क्या झारखंड लेगा सीख। रोड सेफ्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने झारखंड सहित अन्य राज्यों के परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में समीक्षा बैठक की। इस दौरान यह बात सामने आई है कि पूरे देश में तमिलनाडु ने रोड सेफ्टी को लेकर वर्ष 2020 में बेहतरीन काम किया है। वहां पर सड़क जो है हादसे में 54% तक की कमी आई है। तमिलनाडु सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर जो है IIT मदरसा के विशेषज्ञों से मदद ली है। विशेषज्ञ रोड सेफ्टी को लेकर हर बिंदु पर सलाह देते हैं। अब झारखंड सहित दूसरे राज्य भी तमिलनाडु के प्रयास का अध्ययन कर उस पर निर्णय लेंगे। झारखंड की ओर से परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि पछुआ हवा से बढ़ी कनकनी, अभी 3 डिग्री और गिरेगा न्यूनतम तापमान। गुरुवार की सुबह रांची समेत आसपास के जिलों में सुबह जो है घना कोहरा देखने को मिला। हालांकि सुबह 7 बजे के बाद जो है मौसम थोड़ा साफ हुआ। वहीं सुबह पछुआ हवा के कारण लोगों को कनकनी महसूस हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि रांची समेत आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक कोहरा और धुंध देखने को मिलेगा। वहीं पछुआ हवा और जो है आसपास जो है मौसम साफ होने के कारण न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि 24 जनवरी के बाद लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने के लिए जाएंगे चेन्नई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वे शीघ्र ही रांची लौटेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने के लिए चेन्नई जाएंगे। इसके लिए चेन्नई के MGM अस्पताल प्रबंधक ने मुख्यमंत्री से समय मांगा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए। उनका चेन्नई के MGM अस्पताल में फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है, वे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जगन्नाथ महतो का कोरोना संक्रमण के कारण फेफड़ों का जो प्रत्यारोपण हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्तर पर पहल कर बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भेजा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगा एक्शन। झारखंड पुलिस मुख्यालय में राज्य के सभी जिलों के पुलिस अफसरों के साथ DGP MP राव ने एक अहम समीक्षा बैठक की है। DGP ने सभी जिलों के SP और DIG से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इसमें पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित DIG, IG व जो है ADG मौजूद थे। बैठक में अपराध और जो है अनुसंधान विभाग व विशेष शाखा के अफसर भी शामिल हुए। इस दौरान झारखंड में बेलगाम होता अपराध, नक्सल समस्या और अफीम की खेती पर जो है कड़ाई से लगाम लगाने के लिए DGP MP राव ने पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। DGP ने नक्सल समस्याओं की समीक्षा करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज करें और साथ ही राज्य में अफीम की खेती को हर हाल में नष्ट किया जाए। DGP ने कहा कि अफीम की खेती से जुड़े लोगों को जो है हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का करें पालन। डीसी गढ़वा जिले के उपायुक्त तो राकेश कुमार पाठक व उप विकास आयुक्त जो है सत्येंद्र नारायण जो है उपाध्यक्ष ने गुरुवार को संयुक्त रूप से 17 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रथ रवाना किया। जागरूकता रथ जो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जो है थीम पर लोगों को जागरूक करेगा, साथ ही ट्रैफिक के नियमों से अवगत कराया जाएगा। हेलमेट पहनने के फायदे से अवगत कराते हुए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह भी कहा जाएगा कि नशे का सेवन जो है कर वाहन नहीं चलाएं। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह अभियान से सभी लोग आवश्यक जो है सहयोग करें एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 6 मुर्गों की मौत से सनसनी। पशु चिकित्सक ने कहा कि बर्ड फ्लू नहीं डायरिया है वजह। धनबाद जिले के गोमो में इन दिनों जो है कौओं की मौत के बाद अब देसी मुर्गों व मुर्गियों में मरने से बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है। पिछले 5 दिनों में 6 मुर्गों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर जो है लोगों के बीच जो है कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। बिष्णुपुर गाँव में जो है सेवानिवृत्त रेलकर्मी जो है ए राय के बताया कि मरे हुए मुर्गों को कुत्ते भी अपना निवाला नहीं बना रहे हैं, जिससे लेकर जो है और भी लोग भयभीत हो गए हैं। घर की जो है महिलाओं द्वारा मरे हुए जो है मुर्गों को सुरक्षित स्थान में उसे मिट्टी में दफनाया गया है ताकि यह बीमारी औरों में नहीं फैले। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब तक अनजान बने हुए हैं। बता दें कि 1 सप्ताह पूर्व गोमो रेलवे स्टेशन के बाहर समेत जो है कई इलाकों में कई कौवे की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथ पर बांधा लाश किसने फेंका। मेडिकल छात्रा पूजा के हत्यारे अभी भी पकड़ से दूर। हत्या के 9 दिन बीत जाने के बाद भी गोड्डा की रहने वाली और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती पूर्व हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। पतरातू डेम में हाथ पर बांधकर जिंदा डुबोकर मारी गई पूजा के हत्या की गुत्थी अब भी जो है अनसुलझी है। हालांकि इस मामले में राज्य के प्रभारी DGP MP राव ने 72 घंटे में हत्या का राज जो है पर्दाफाश करने का दावा भी फेल हो गया है। हालांकि रामगढ़ पुलिस ने एक अधिकारी ने इस मामले में खुलासा किया है कि मेडिकल छात्रा पूजा भारती की हत्या कहीं और की गई है और उसका लाश ठिकाने लगाने के लिए पतरातू डैम में डाल दिया गया है। उधर जो है मेडिकल छात्रा पर अश्लील कमेंट करने वाला एक युवक हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CRF जवान के खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 1,13,000 रुपए। जमशेदपुर शहर में साइबर अपराध के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नए मामले में साइबर ठगों ने सुंदरनगर के CRF कैंप में तैनात जवान मो कसिम से 1,13,650 रुपए की ठगी कर ली है। कसिम ने साइबर थाना में प्राथमिकता दर्ज कराई है। मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिला निवासी मो कसिम ने बताया है कि बुधवार को उनके पास एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ठग ने कहा कि जो है कसिम को लॉटरी में जो है अपाची बाइक और 50,000 रुपए का इनाम निकला है। कहा इनाम लेने के लिए 500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा और NADAS ऐप डाउनलोड कर पासवर्ड डालना होगा, साथ ही बैंक डिटेल देने को कहा। मोकसिस ने जैसे ही ऐप डाउनलोड कर पासवर्ड डाला, उनके खाते से क्रमशः 500 रुपए, 12,000 जो है 500 रुपए, 50,000 और फिर 50,000 रुपए, कुल मिलाकर जो है 1,13,650 रुपए की निकासी कर ली गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जल्द चलेगी ये ट्रेनें। झारखंड से बिहार और गुजरात जाने वाले यात्रियों के लिए जल्द 2 ट्रेन चलने वाली है। इनमें से एक रांची भागलपुर एक्सप्रेस और दूसरी जो है मालदा टाउन सूरत साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल है। पूर्व रेलवे के जो है मालदा रेल मंडल ने देश भर के अलग अलग रूटों पर 22 ट्रेनों को जो है चलाने की अनुमति मांगी है। इसमें से धनबाद और बोकारो चलने वाली 2 ट्रेन शामिल है। दोनों ट्रेन जो है स्पेशल बनकर चलेगी और उनका टाइम टेबल पहले की तरह जो है बने रहने की संभावना है। रेलवे के विभागीय सूत्रों के अनुसार इसी हफ्ते दोनों ट्रेन के चलने की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। रांची भागलपुर एक्सप्रेस पहले ही की तरह जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रांची से और बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। मालदा टाउन सूरत जो है एक्सप्रेस मालदा से हर शनिवार और सूरत से प्रत्येक बुधवार चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड शिक्षा परियोजना ने जारी किया पत्र। स्कूल प्रबंधन समिति के 32,753 सदस्य होंगे प्रशिक्षित। राज्य के प्राथमिक से उच्च विद्यालय तक की जो है विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजनाओं ने इस पर संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा है। समग्र शिक्षा अभियान जो है 2020-21 के बजट में इसके लिए जो है 10,63,00,000 का प्रावधान किया गया है। राज्य के 32,753 जो है प्राथमिक एवं जो है मध्य विद्यालय तथा 2694 उच्च विद्यालय की प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। COVID-19 के कारण जो है प्रशिक्षण शुरू नहीं किया गया था। शिक्षा परियोजना ने अब प्रशिक्षण के स्वरूप में बदलाव किया है। अब वीडियो व चर्चा आधारित प्रशिक्षण होगा। विद्यालय स्तर पर जो है प्रशिक्षण 28 जनवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी तक प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलमा से गुमला तक फोरलेन निर्माण। 4 गांव के रहे तो बोले उचित मुआवजा मिलने पर ही फोरलेन के लिए देंगे जमीन। गुमला मुख्य मार्ग में पलमा से गुमला तक फोरलेन निर्माण कार्य के लिए प्रखंड के 4 गांव के रहतों की सभा जो है मुंह मांगी कीमत मिलने के बाद ही अपनी जमीन देगी। जो है गढ़गांव पंचायत के जो है चाकागुरा महारा पथरा मैदान में गुरुवार को विधायक बंधु तिर्की के नेतृत्व में आयोजित जो है 4 गांव के रहतों का जो है महाजुटान सभा में सर्वसम्मति से जो है उक्त आशय का जो है निर्णय लिया गया। सभा में कम से कम 2,00,000 रुपये प्रति डिसमिल की दर से अधिग्रमण भूमि का भुगतान किए जाने,
मकान व पेड़ सहित अन्य संपत्तियों का अलग से मुआवजा तक दिए जाने, भू अर्जन जो है कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में व्याप्त जो है विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग की गई है। विधायक तिर्की ने जो उपरोक्त मांगों का समर्थन करते हुए सरकार तक उनकी बातों को पहुँचाने का आश्वासन दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।